इसके साइड में से ओवरटेक कर दूं मैं। मौसम देख रहे हो, मौसम आज कैसा है? आज धूप बड़े दिन बाद निकली है। काफ़ी दिन से बारिश वगैरह हो रही थी, वो भी नॉन स्टॉप। तो आज धूप वगैरह निकली है तो मैंने सोचा आपके लिए ब्लॉग्स व्लॉग्स वगैरह शूट वगैरह कर लिए जाएँ, क्योंकि बाद में टाइम वगैरह नहीं मिलता है। फिर हम लोग के लिए ब्लॉग्स वगैरह आप लोग के लिए मैं शूट जब करता हूँ ना, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद होता है डिले, और जो कि डिले वगैरह काफ़ी गंदा रिस्पॉन्स डाल देता है चैनल पर, ठीक है। तो आज मतलब मौसम काफ़ी खुला है, देख सकते हो सूरज चाचू। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूपीसी इंटरनेट। सो गाइस मैं ऊपर तुम सारे भाई बढ़िया हो, मैं एकदम बढ़िया हूँ। वीडियो कर देना एक लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग्स वगैरह आपके लिए नहीं बना पा रहा था, जो कि ब्लॉग्स वगैरह मैंने एडिट वगैरह करके रख लिए है, प्रिपेयर पहले से मैंने करके रख लिए है, वो अभी तक मैंने आप लोगों के लिए लाइव वगैरह नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भाई लोग मैं भी थोड़ा बिजी वगैरह चल रहा हूँ। और दो चार दिन बाद ऐसा मौसम मिला है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप धूप अच्छे से निकल रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना बारिश वगैरह की बूंदे वगैरह गिरती हैं, फिर डर रहता है कैमरा वगैरह ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और ब्लॉग्स व्लॉग्स वगैरह बनाने में बिल्कुल मन भी नहीं होता है, और मान के चलो अगर मन वगैरह भी हो भी तो क्या कहते हैं उसके बाद हम लोग विंग विंग जाते हैं, तो गए अगले दिन फिर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो आज का मौसम बेस्ट है, चलो यहीं से चलते हैं। हाँ तो जो मैं पहले वाला आपके लिए ब्लॉग्स वगैरह शूट करके लाया था ना, दो ब्लॉग्स मैंने उस दिन शूट कर लिए थे, तो उस दिन भींग गया था आपको वही दबा के, और क्या कहते हैं इसका एयर फिल्टर वगैरह मैंने अभी तक इसमें नहीं मतलब इंस्टॉल किया है दोबारा, जो कि मैंने आफ्टर मार्केट वाला लगवा रखा था, 700-800 किलोमीटर चलने वाली है उसके साथ, ठीक है। तो उसको भी चेंज वगैरह करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर टोटल बॉडी वगैरह पे डस्ट वस्ट ज़्यादा जा सकती है, इस वजह से ये रीज़न रहने वाला। बाकी बस क्वालिटी है पता ना आपको अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, एंगल वगैरह कमेंट्स में एक बार बताते चलना, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस वगैरह शूट कर रहा हूँ गाइस फुल HD में कर रहा हूँ, बिल्कुल भी 1080p में, तो आपको एक नंबर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ठीक है। काफ़ी वाले कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उन्हीं के कमेंट्स को ध्यान रखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो वगैरह की क्वालिटी वगैरह इंप्रूव कर ली है, एंड साउंड क्वालिटी वगैरह भी इंप्रूव कर ली है, जो बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ वगैरह आता था, ठीक है, वो भी मैंने इंप्रूव वगैरह कर लिया। आप बताना आप लोग क्वालिटी वगैरह कैसी लग रही है वीडियो वगैरह की, ठीक है। इसमें पेट्रोल वगैरह कम है तो उसको भी रिफिल वगैरह करवाना है। पहले ब्लॉग्स वगैरह अपना एक शूट कर लूँ जाके आएंगे, जो मुझे मतलब अपनी बाइक के ऊपर बेसिकली वीडियो वगैरह है वो शूट करनी है। फिलहाल मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आप खुद ही चैनल पर एक्टिव रहना तो चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मौसम वगैरह एक नंबर है, और बाकी अपनी स्प्लेंडर वगैरह भी एकदम खुल के भाग रही है, एकदम एक मस्त भाग रही है। उसके बाद मैं खींचता वगैरह हूँ ना इस ऑयल के साथ, टोटल बॉडी जब से मतलब क्लीन वगैरह कराई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तब से ऐसा खुल के भागती है, एकदम ऐसा खुल के पंच वगैरह आता है, मतलब आना भी चाहिए, क्योंकि गैस टोटल बॉडी पे जो गंदगी वगैरह होती है डस्ट वस्ट जम जाती है, कार्बन वगैरह जम जाता है, ठीक है। उसको उन्होंने स्प्रे वगैरह से प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लीन वगैरह करवा लिया था, ठीक है। तो इस रीजन से उसका मतलब पावर वगैरह एकदम खुल के आती है, जो बूस्ट वगैरह पावर में आता है वो खुल के आता है, चेक करो अब। तो ये चक्कर रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने करवा ही लिया, ठीक है। बाकी मैंने शोरूम वगैरह में नहीं करवाया था वो भाई साहब। देख रहे हो यहीं पर रोक देते हैं, बाकी मैंने शोरूम वगैरह में नहीं कराई थी सर्विस वगैरह, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आइयो मैं ऑफर मार्केट करवाता हूँ, अपने घर के पास मोहल्ले में ही करवा लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छी सर्विस वगैरह हो जाती है। तो मैंने उन भैया को प्रॉपर बता दिया था ये चीज़ ऐसे ऐसे क्लीन होगी, क्योंकि मुझे तो पहले से नॉलेज वगैरह थी, ठीक है, तो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया। तो उन्होंने कहा था तुम बताते जाना मैं करते जाऊंगा, तो उस हिसाब से मैंने करवा ली। अगर आप लोगों को फुल नॉलेज वगैरह देखनी है टोटल बॉडी वगैरह कैसे क्लीन होती है, या और भी सर्विस में कोई दिक्कत वगैरह हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। बाकी मैंने फुल डिटेल में सर्विस की बहुत सारी वीडियो वगैरह क्रिएट वगैरह करके रख ली है, और आप लोगों को मतलब लाइव वगैरह कर दी है, तो चैनल पर वो सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो, उन वीडियोज़ के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है।
बाकी ये रोड वगैरह काफ़ी खुदी पड़ी है, लेकिन चलो ठीक है। और रोडों के हिसाब से अगर देखा जाए गहरे गहरे गड्ढे हो नहीं जाते बरसात के टाइम, उस हिसाब से थोड़े ही से हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ। इन्होंने यहीं खड़ी कर ली। इसके साइड में से ओवरटेक कर दूं, मैं निकल जाऊं। देख रहे हो किस तरीके से निकल गया मैं। आप लोग मैं ट्राई करना, बाकी मुझे तो थोड़ी स्किल्स वगैरह हैं, बाकी आप लोग ऐसा कॉपी मत करना, डेंजरस वगैरह हो सकता है। हाँ बाकी स्प्लेंडर बनी इन सब चीज़ों के लिए, बाकी जो एक्सट्रीम वगैरह आ रही है ना उनसे आप लोगों ने अगर हार्डकोर ऑफ रोडिंग वगैरह कर ली ना तो उसके सस्पेंसेस वगैरह की तो आपको फुल कहानी पता ही है। वाला स्पीड में चलो आप लोग लिए वीडियोस वगैरह मैं आगे जाके शूट कर लेता हूँ उसी वाली लोकेशन पे, ठीक है, जो आप लोगों ने देखी है, तो वहाँ पे जाके लोकेशन वगैरह मतलब वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ उस लोकेशन पे, फिर मैं मिलता हूँ देन आपको मोटर ब्लॉग सेटअप पर। सो भाई लोग यहाँ पे आप लोग लिए ब्लॉग वगैरह तो निकाल लिया, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ पे थे। हम लोग थे वहाँ पे, आपको दिख रहा था थोड़ा सा टर्न वगैरह ऐसा दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे था, ठीक है, लिटरली। और आप लोग लिए यहाँ पे सूरज वगैरह आ गए, तो यहाँ पे बाइक लेके आया देन यहाँ पे आके मैंने वहाँ पे दो चार जगह बार बार बल दी, तो यहाँ पे सूरज वगैरह आ रहे थे बार बार, यहाँ पे मैंने अच्छा सा परफेक्ट वगैरह शॉट वगैरह ले लिया। तो आप लोग लिए वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिएट वगैरह कर ली, तो वीडियोज़ वगैरह क्रिएट वगैरह करने में मम्मू का वन आवर तो इजिली चला गया है काफ़ी, मतलब हम लोगों को गला वगैरह सूख गया, तो पसीने वगैरह आया, वाटर मैन लेना भूल गया। तो जी हाँ भाई लोग, आप लोग लिए वीडियोस वगैरह क्रिएट करने में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह है, ठीक है, बहुत सांस वगैरह फूल लीजिए, ठीक है। अब चल रहा हूँ मैं अपने सीधे घर पे, आप लोग रास्ते में जो कुछ भी मोटर ब्लॉग में होगा वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी हम लोग की बाइक वगैरह कोड स्टार्ट वगैरह कर लिया, तो अब निकलता हूँ सीधे। बाकी मैं बता देता हूँ आपको हिंट वगैरह अब दे देता हूँ जब मैंने वीडियो वगैरह शूट कर ली है, क्योंकि क्या फ़ायदा वीडियोज़ वगैरह मैं शूट वगैरह ना कर पाऊँ, और आपको मैं पहले हिंट दे दूं फिर अपनी वीडियोस वगैरह लेट हो जाए। तो मैं बता देता हूं मैंने सबसे पहले वीडियोस वगैरह किस टॉपिक पर हम लोगों ने यहाँ पे शूट वगैरह की है, तो वो वीडियोस हम लोगों ने शूट वगैरह की है अपने स्प्लेंडर BSX में, मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस वगैरह करा रखी हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल माउंट लगवा रखा है, ठीक है, यहाँ पे चार्जर वगैरह लगवा रखा है, मिनी ड्राइव आप देख सकते हो, ठीक है, लीवर प्रोटेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 206 आ रहे हैं, इंजन प्लेट ले लो, ये वाले रबड़ ले लो, ठीक है, यहाँ पे ग्रिल सेट आगे आ गया वो ले लो, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी हैं, टायर वगैरह मैंने पीछे अपग्रेड कर रखा है सब वो ले लो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मोटिफिकेशंस वगैरह में आप लोग बता दी हैं, हॉर्न वगैरह ये इनको तो मैं भूल ही गया था, ये कैसे भूल सकता हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है, तो ये ले लो। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब वीडियो वगैरह काफ़ी बड़ी हो जाती है, और आप जानते हो एक टेक लेने में मतलब कितनी ज़्यादा मतलब मेहनत वगैरह लगती है, एक मतलब शॉट वगैरह निकालने में कितने ज़्यादा टेक लेने पड़ते हैं, तो वो समझ सकते हो आप। तो ये वाली वीडियो वगैरह मैंने शूट की थी, तो खैर अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, जब वो चैनल पर आए तो आप चेकआउट कर लेना। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ आ गया हूँ, अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ सबसे पहले पेट्रोल वगैरह हम लोग फिल वगैरह कराने, क्योंकि यहाँ पे लिटरली बिल्कुल एंड पे आ गया है। भाई साहब गड्ढे वगैरह बहुत हैं,
यहाँ से लेते हैं टर्न। चलो ना चलो, रुकना है अभी तो, इंडिकेटर देके रुको। अब मैं सोच रहा हूँ भाई लोग, इसकी जब मैं अगली सर्विस वगैरह कराऊँ तो इसमें मैं क्लच प्लेट की पूरी असेंबली जी हाँ भाई लोग, क्लच प्लेट नहीं पूरी असेंबली न्यू डलवा दूँ। अब वो क्यों डलवाऊँगा वो आप आगे देखना। तो भाई लोग फ्यूल व्यूल तो यहाँ पे डला लिया है, अब चलते हैं आगे। तो भाई लोग मैं सोच रहा हूँ अपनी स्प्लेंडर BS6 का, मतलब जो मैंने फ़िल्टर वगैरह डलवाया रखा था ना, जो मैंने मतलब सर्विस वगैरह जब कराई थी, टोटल बॉडी वगैरह फुल डिटेल सर्विस वगैरह कराई थी, तब मुझे फ़िल्टर वगैरह नहीं मिला, तो मैंने आपको बताया था, ये बात शेयर की थी। तो मैंने ऐसे ही डलवा लिया था आफ्टर मार्केट वाला। मैं सोच रहा हूँ 800 किलोमीटर मतलब रन वगैरह हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसका फ़िल्टर वगैरह क्यों ना खुद ही चेंज कर दिया जाए, बस परचेज़ मैं कर लेता हूँ ऑथराइज सर्विस सेंटर से, मतलब ठीक है।